हाय गर्ल, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यू एंड मी के चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये हमारा मॉर्निंग सूट हो रहा है आज, एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर रेमेडी जो कि है, आप मेरे बाल देख सकते हो कितने बेजान हो चुके हैं एंड डैंड्रफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जो आपको शो तो नहीं कर सकती बट मैं फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुका है एंड मेरे हेयर शाइनी बिल्कुल भी नहीं रहे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि आपके बाल शाइनी और डैंड्रफ फ्री कैसे होने वाले हैं इस रेमेडी में। तो इसके लिए आपको करना होगा फुल वॉच मेरी वीडियो को। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके सामने एक छोटे बेल आइकन उसे कर दीजिएगा प्रेस ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप नोटिफाइड रह सको, और ये बिल्कुल फ्री है। और अब ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, और इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट अवे। अभी हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत है मैं उनके बारे में बता रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें दही चाहिए कर्ड अपने हेयर के अकॉर्डिंग। इसमें है मैंने खट्टा दही लिया है, आप अपना घर का भी दही ले सकते हैं। ये है सुधा दही, अब मेरे यहाँ पे यही अवेलेबल होता है तो आप अपना कुछ भी ले सकते हो। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है पतंजलि का हनी, आप कोई भी हनी ले सकते हो एंड मैं लेकिन पतंजलि का हनी ही लेना प्रेफर करती हूँ। और एक राइप केला जो कि पका हुआ है, काफ़ी पका हुआ केला होना चाहिए, वो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड जैसा कि हमने कहा है कि हमारे हेयर पे डैंड्रफ हो गया है, तो जाहिर सी बात है मुझे डैंड्रफ से निजात पाने के लिए लेमन का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, बट मैं ले रही हूँ, मुझे हाफ लेमन चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए होगा मेथी का पाउडर। मेथी का पाउडर इसलिए क्योंकि मेरे डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस भी बहुत होने लग रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे, क्योंकि ये हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स की हमें ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। मिक्सचर बनाने के बाद इसे हम अपने हेयर पर अप्लाई करेंगे। अब हम इसका मिक्सचर कुछ इस तरीके से बनाएंगे। मैंने बनाना को ऑलरेडी मिक्स कर लिया है एंड इसमें मैंने कर्ड डाल दिया है, दही, खट्टा दही। अब हम इस पर डालेंगे अपना हनी जो कि मैं ले रही हूँ। हनी हमें पूरा एक टेबल स्पून चाहिए होगा बड़े चम्मच में, आप चाहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जो मैंने मेथी का पाउडर कहा था आपसे, मैं वो ले लूँगी। ऐसा लग रहा कोई डिश है खाने का राइट, बट ये ऐसा नहीं है, ऑलरेडी ये खाने के डिशेस है कहीं ना कहीं, बट ये अभी। अब मैं इस पर लेमन के दो चार ड्रॉप्स जो हाफ मैंने लिए थे वो ले लूँगी। दही हमारे बालों को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करेगा और पूरा फ्रीजी जो हो गया हेयर उसे सेटल करेगा। लेमन इस क्लब के पीएच बैलेंस को बिगड़ने नहीं देगा और डैंड्रफ से निजात हमें दिलाएगा। मेथी हमारे हेयर पोर को कंट्रोल करेगा और हनी तो बहुत अच्छा कंडीशनर है हमारे हेयर के लिए, यू नो दैट वेरी वेल, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट जो हो गए हैं आजकल। अब इसका मिक्सचर कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे आप, ठीक है। मेरे हाथ में कैमरा है दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, बट आप अच्छे से इसको ग्राइंड कर लोगे, ठीक है। एंड जब ये मिक्सर तैयार हो जाएगा मिक्सचर, तो इसे हम अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे। मेरा पेस्ट जो है तैयार हो चुका है, मिक्सचर इसकी खुशबू बिल्कुल प्रसाद वाली है एकदम से, बहुत अच्छा है। एंड इसे हम अपने सारे हेयर पे कॉम करते हुए लगाएंगे, ठीक है। मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि मुझे एडिटिंग की उतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हो पाती है इसकी वजह से, तो प्लीज़ इग्नोर अस। एंड इस तरीके से हम अपने पूरे स्कैल्प पे भी लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा ये हो चुका है। तो आप इसे अच्छे से ये कर सकते हो। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं किसी की हेल्प नहीं ले रही हूँ, मगर आप अगर अपनी सिस्टर या मदर की हेल्प लोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बड़े प्यार से हमें मसाज करती है ना, इसलिए वो ज़्यादा वर्क करता है। मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स की जो क्या क्या खूबी हमने बताई थी, बट मैंने केला के बारे में कुछ नहीं बताया था। केला पोटेशियम है और आयरन बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाता है, जिससे हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने में भी हेल्प मिलती है एंड बहुत अच्छा एक शाइनियर जिसको बोलते हैं हमारे बालों में आने लगेगा। तो इस तरीके से करते हुए आप सेक्शन वाइज आप अपने हेयर पे करोगे, ठीक है, और बीच बीच में कॉम करते रहेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे अपने हेयर में अप्लाई कर लोगे इस मिक्सचर को अच्छे से। मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ।
ठीक है। एंड जब भी आपको ऐसा लगे कि जरूरत, इससे क्या होगा, कॉम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, इस तरीके से चौड़े मुंह वाले कंघी ज़रूर रखिए आप अपने पास। और इस तरीके से सारे मिक्सचर को आप चाहे तो हेयर ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा है मैं इसका इस्तेमाल करूँगी, बहुत कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। इस तरीके से आप अपने पूरे बालों में मिक्सर को लगा लीजिएगा। इस तरीके से मैंने पूरे अपने हेयर में लगा लिया है। अब लास्ट जो आपका पोर्शन बचता है कुछ इस तरीके से आप लगाओगे, लाइक दिस, ओके, पूरे टिप तक लगाओगे, एकदम लास्ट तक, ठीक है। ईजी, सम पेशेंस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि बहुत फास्ट हो जाने वाला वीडियो है तो मैं थोड़े बहुत स्किप करके ही बताऊंगी, जाहिर सी बात है, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है, सबका यही कहना है मेरे लिए। इस तरीके से आप अपने पूरे हेयर में टिप तक लगा लोगे एंड उसके बाद इस हेयर को आप अपने हिसाब से आपको जैसा सुविधा लगे आप करिएगा, ठीक है। अब मैं अपने अपने इस सेक्शंस पे अपने बालों के लगा लूँगी, ठीक है। इस सेक्शन को मैं साइड कर दूँगी जहाँ मैंने लगाया है, थोड़ा मैसी हो जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड। इसे भी मुझे पूरे टिप्स तक लगाने हैं अपने। अब देख रहे हो कैसे झाड़ू टाइप का हेयर हो गया है मेरा, बट ये बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। ये नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन सबके लिए है, इसको सब अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि आप अपना कोई भी गंदा सा टी शर्ट पहन लो उसके बाद अप्लाई करो, क्योंकि इसका कोई अगर कुछ आ भी जाता है आपके कपड़ों में वॉश करोगे तो वेरी इजी बहुत आसानी से ही निकल भी जाएगा विदाउट टेंशन लिए हुए, ठीक है। अब ये मेरा हो चुका है और इसे मैं हल्का सा मसाज करूँगी 5 मिनट तक एटलीस्ट, ताकि इसके सारे जितने भी बेनिफिट हैं मेरे हेयर पे चले जाएं। 5 मिनट स्मूथली जेंटली आप मसाज करोगे, ये बहुत ज़रूरी पार्ट से हमारा मसाज हो गया है। अब हम अपने हेयर को, आई नो बहुत ही अजीब लुक आ रहा होगा, अब इसे हम अपना एक अच्छा सा हाई बन की तरह बना लेंगे और इसे क्लच कर लेंगे, ठीक है। एंड अब इसे हमने लगा लिया, अब इसे मैं 45 मिनट तक एटलीस्ट सूखने के लिए दूंगी। 45 मिनट्स एटलीस्ट आपको रखना है, प्लीज़ आप 45 मिनट ज़रूर रखें। उसके बाद मैं नॉर्मली कोई माइंड शैम्पू से वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ उसके रिज़ल्ट कैसे हैं। मैंने अपने बालों को हेयर वॉश कर लिया है और एक मैंने माइंड शैम्पू का यूज़ किया है, आप भी कोई माइंड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, लाइक डब एंड पैंटीन प्रो भी एंड कुछ भी, बट मैंने डब का इस्तेमाल किया है। अब आप इसे अच्छे से सूखने देंगे और प्लीज़ इसे नेचुरल सूखने दें, ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। आप चाहो तो कंडीशनर लगा सकते हो, नहीं तो नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं देखना चाहती इसने कितना वर्क किया है, तो अब मैं इसे नेचुरल सूखने देती हूँ। अब मेरे बाल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सूख चुके हैं एंड मैं इसे कॉम कर लेती हूँ। आप गीले वालों पर कभी भी कॉम ना करें। आप देखिए मेरे बालों में जो साइन है, ओ माय गुडनेस, मेरे लिए बहुत अमेजिंग रेमेडी मेरे लिए ये साबित हो चुकी है। आप देखो शाइन मेरा, आप पहले वाला वीडियो देखो जिसमें मैंने ये रेमेडी यूज़ नहीं किया, उसमें मेरे बालों के ऊपर बैंड बची हुई है, और इसमें आप देखो लग रहा है कितना शाइन है और भी कितना मैनेजेबल हो चुका है एंड वेरी सॉफ्ट, ट्रस्ट मी, लुक एट द साइन। अगर मैं बाहर में दिखाऊं आपको धूप में, इंडोर में सूट करके, बाहर में आउटडोर में सूट करके सॉरी, तो बहुत ज़्यादा और शाइन करते हैं धूप में मेरे हेयर। एंड ये घर में है इसलिए उतना नहीं दिख रहे होंगे आपको, पर आप फील कर सकते हो कि ये देखिए, आप फील कर सकते हो कितने स्मूथ हो चुके हैं मेरे हेयर एंड कितना अच्छा लग रहा है। सरप्राइजिंगली इतना छोटा सा रेमेडी एंड इतना वर्क करता है, और डैंड्रफ तो आपके हेयर में रहेंगे नहीं।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये रेमेडी पसंद आया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके भी हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं आपके हेयर, तो विंटर में इस पैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको भी। आप प्लीज़ इस पैक को एक बार यूज़ करें और प्लीज़ ये आपके ऊपर कैसा रहा कैसा नहीं मेरे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप इस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटी एंड स्टे गॉर्जियस।